बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बग़ैर फ्राई के समोसे। वेरी हेल्दी एंड वेरी टेस्टी। अब हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो हम कुछ इस तरह लेंगे। 400 ग्राम ऑल पर्पज़ फ्लावर ऐड कर रही हूँ। मैदा कप के हिसाब से, इस तरह मैंने 4 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया और 2 कप होल व्हीट फ्लावर लिया, और वेट के हिसाब से 400 ग्राम ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया और 200 ग्राम होल व्हीट फ्लावर। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर रही हूँ। 4 टेबल स्पून ड्राई मिल्क ऐड कर रही हूँ। 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये 1/4 कप बटर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने मेल्ट किया माइक्रोवेव में रख के। अब इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये देखें, इस तरह मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। ये देखें, ये 1 कप वार्म वाटर ऐड कर रही हूँ। अब इसको गूंथती हूँ अच्छे से। ये देखें जी, डो रेडी हो गई है। 10 मिनट मैंने इसको अच्छे से गूंदा है। डो अब को मैं हम इसको रैप रैप करके करके रखते रखती हैं हूँ साइड पे, और हम समोसों की स्टफिंग रेडी करते हैं। 1/2 kg चिकन दिया है, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून लेमन पेपर सीजनिंग ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून ऑनियन पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। 4 टेबलस्पून टमाटो एंड बेसन मिक्स है पेस्ट, ये ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम है। चिकन मैरिनेट करके रख लिए, अब हम बनाना शुरू करते हैं। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये चिकन ऐड कर रही हूँ जो मैंने मैरिनेट करके रखा था। ये चिकन को मैं हाई फ्लेम पर बना रही हूँ। इसको कवर करके रखती हूँ। ये देखें, चिकन ने कितना पानी छोड़ा। इसमें मैंने पानी नहीं ऐड किया और इसी में ही ये कुक हो जाएगा, और इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करना। चिकन हमारा रेडी हो गया, तो मैं ऑफ करती हूँ और इसको साइड पे रखती हूँ। मीडियम साइज़ का प्याज हाफ मैंने चॉप किया, 1/2 टमाटर, 1 हेलोपिनो, 1 स्पाइसी मिर्च। चिकन ठंडा हो गया, अब मैं ऐड कर रही हूँ ये प्याज और टमाटर। ये हेलोपिनो, मज़रीला चीज़, इसको अच्छे से मिक्स कर दूँ। चिकन के पीसेस बड़े थे तो उनको मैंने कुक करने के बाद मैश कर लिया। इस तरह पीसेस बना लिए, ज़्यादा भी बारीक नहीं ही करना। ये देखें, डो जितनी मैंने बना के रखी अब थी हम समोसे उससे की डबल पट्टी हो गई बनाते है। हैं इसकी।
समोसा बनाने के लिए मैं इस तरह पट्टी बनाऊंगी, मुझे इस तरह इजी लगता है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम समोसा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अंडे का थोड़ा सा कोट कर रही हूँ जैसे समोसा खुले नहीं। देखें, इसी तरह मैं सारे बनाऊंगी। ये अंडे की जर्दी मैंने रखी है फेंट के। ये देखें, इस तरह मैंने समोसे बना के रखे हैं और अब इनके ऊपर अंडे का कोट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाँच मिनट हो गए, अब मैं इनके ऊपर अंडे का कोट करती हूँ। 20 से 25 मिनट में ये रेडी हुए हैं। वैसे भी ये समोसे बना सकते हैं लेकिन मैं रमज़ान में बना रही हूँ तो इसलिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। ये देखें जी, बगैर फ्राई के समोसे, वेरी हेल्दी, वेरी टेस्टी। अगर आपको हमारे बगैर फ्राई के समोसे की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना, दुआओं में याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।